शहर के इतवारी अंतर्गत आने वाले नंगा पुतला जीवनवाड़ी के पास डकैती की फिराक में बैठे शहर के पांच शातिर आरोपियों को मध्यरात्रि पेट्रोलिंग के दौरान तहसील पुलिस ने पांच आरोपियों को धर दबोचा है। ये आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कोर्ट ने 7 दिन का PCR दिया है। तहसील पुलिस आगे की जांच कर रही है। आए दिन नागपुर में चोरी, खून, डकैती जैसी वारदातें रोजाना हो रही है। एक तरफ अपराधी ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, तो वहीं शहर की पुलिस अपराधियों के मनसूबों पर पानी फेरी है और उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ढकेल रही है। जी हां, ऐसी ही एक घटना इतवारी के अंतर्गत आने वाले जीवनवाड़ी परिसर में हुई है। मध्यरात्रि के तकरीबन 3 बजे लाल रंग की होंडा एक्टिवा गाड़ी पर 5 संदिग्ध तहसील पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान दिखाई दी थी। तहसील पुलिस ने तत्काल सभी संदिग्धों को धर दबोचा और उनकी तलाशी ली। तलाशी में आरोपियों के पास से एक लोहे का रॉड, 2 लोहे की तलवारें, नायलॉन की रस्सी, मिर्ची पाउडर और लाल रंग की होंडा एक्टिवा दोपहिया वाहन, ऐसे कुल मिलाकर 93,550 रुपए का माल बरामद किया है। 5 में से 4 आरोपियों को तहसील पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। तहसील पुलिस ने शातिर आरोपी पप्पू श्यामलाल पुरांडे, निखिल होमदेव ठकाते, राकेश गणेश हेडाऊ, तुषार लातेन तथा इब्राहिम छोटे नबी खान को गिरफ्तार किया है। डकैती के फिराक में बैठे इन शातिर आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन का PCR दिया है। इस घटना के बारे में तहसील के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर, इन्होंने PCN समक्ष जानकारी दी। कल मध्यरात के उपरांत करीब 3:30 बजे के दरमियान हमारे नेतृत्व में ASI राजेश ठाकुर, ASI किशोर नागवीकर और उनकी टीम इतवारी नंगा पुतला एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उनको जीवनवाड़ी हाल के बाजू में एक लाल कलर की एक्टिवा गाड़ी खड़ी दिखी और उसके आजू बाजू में 5-6 युवक खड़े थे, जबकि रात को 3 बजे यह संशयास्पद था, इसलिए हमारे पथक ने उनको धर दबोच लिया और उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद जो 5 आरोपी मिले थे उसमें एक था पप्पू श्यामलाल बुरंडे, उम्र 21 साल, नाका नंबर 4 कामटी रोड शनि मंदिर के पास PS कड़मना। दूसरा था निखिल होमदेव धकाते, उम्र 21 साल, मनपा स्कूल के पास PS पाचपावली। तीसरा राकेश गणेश हेड़ाऊ, उम्र 27 साल, जीवनवाड़ी PS तहसील। चौथा तुषार उर्फ लादेन महेंद्र सिंह भमोरडे, उम्र 20 साल, कांडापेट PS पाचपावली। और जो 5वां आरोपी था वो इब्राहिम उर्फ छोटे नबी खान, गरीब नवाज मस्जिद के पास भोयापुरा। 5ों क्रिमिनल के ऊपर इसके पहले हत्या का प्रयत्न, दरोड़ा, जबरी चोरी, ऐसे बहुत से गुने दाखिल हैं। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 479/2021, धारा 399-402 IPC रेड विद कलम 425 भारतीय कायदा के मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया और उनको विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके उनका 7 तारीख तक PCR लिया है। हमारे टीम ने एक पक्का बड़ा गंभीर कॉग्निजेबल ऑफेंस कल रात को प्रिवेंट किया है और ये सब आरोपी का क्या मकसद था, कहाँ वो प्लानिंग कर रहे थे, इसका अभी इस PCR के पीरियड में उसकी पूरी जानबीन होंगी और आगे की कार्रवाई की जाएंगी। डकैती के फिराक में बैठे आरोपी किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे, लेकिन तहसील पुलिस के चलते आरोपियों के मनसूबों पर पानी फिरा गया। तहसील पुलिस थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।